देखती हो मुझे, देखती हो जहां, मैं यहां हूं, यहां। हेलो दोस्तों, अभी जो आपने प्रीव्यू में वीडियो देखा तो स्मोक फायर इफेक्ट वाली स्टेटस वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। इसका लिंक मुझे भेजा गया था, वीडियो भी नहीं भेजा गया था और लिंक से मुझे फिर उसे देखने में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो मैं इसका ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आया हूँ। सो गाइस, अभी जो आपने प्रीव्यू में देखा तो सेम इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हो, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फुल एडिटिंग में बताऊंगा। वैसे आपको एक्सएमएल प्रीसेट भी प्रोवाइड कर दूंगा तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। फुल एडिटिंग थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इफेक्ट थोड़े ज़्यादा यूज हुए हैं। तो ये चलिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज एडिटिंग डायरेक्ट करके आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। देन यहाँ पे कैंसिल करके ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा और आप जो भी साइड यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। तो मैं टू लाइन साइड यहाँ पे अब लिख लिया हूँ, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गाइस, आप अगर इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो हिंदी फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं, हिंदी फॉन्ट करके आता है, तो कोई भी फॉन्ट आप लेकर इसे चेंज कर सकते हैं। मैं यहीं से कोई फॉन्ट एक्ट यूज़ कर लूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे जो भी फॉन्ट आप लेना चाहते हो उसे लेकर देन ओके कर लीजिएगा, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे साइज थोड़ा कम करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने साइज कम किया, फिर इसे इस तरह से खींच के दो लाइन में ही हम इसे रखेंगे, तो दो लाइन में आप देख सकते हैं आ गया, थोड़ा और छोटा कर देते हैं हल्का सा। देन यहाँ पे रखने के बाद राइट क्लिक कर लीजिएगा, करने के बाद थोड़ा सा फेडिंग बढ़ा लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। देन राइट क्लिक कर लीजिए, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, स्विच कलर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ग्रेडिएंट पे क्लिक कीजिए, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे एक साइड का कलर जो है इसे पूरी तरह से व्हाइट कर दीजिएगा, जैसा ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर दिया, पूरा व्हाइट कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। देन राइट क्लिक कीजिएगा, सेकेंड साइड में जो है इसे सेलेक्ट करके प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा और इसे रेड कर देते हैं यहाँ से, तो पूरी तरह से इसे रेड भी कर लीजिएगा और राइट क्लिक कर लीजिएगा। अब एक पॉइंटर को इस साइड में इधर रख लेते हैं और एक पॉइंटर को इस साइड में इधर रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा पूरा रख लीजिएगा बराबर करके, देन यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ गया। अब इसे थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा ऐसे यहाँ पे, देन राइट क्लिक कीजिएगा। अब हल्का सा आ गया तो आपको स्टॉक का ऑप्शन दिखेगा, आप स्टॉक पर क्लिक करके इसका स्टॉक भी दे सकते हैं। स्टॉक का यहाँ पर थोड़ा सा साइज कम कर दीजिएगा, हल्का सा बोल्ड दिख रहा है काफ़ी, अब राइट क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से फ्रेंड शैडो पर जाइए, शैडो भी इसका देना चाहे तो दे सकते हैं। शैडो देने के बाद इसका ब्लरनेस जो है थोड़ा कम कर दीजिएगा, ऑपेसिटी भी हल्का सा कम कर लीजिएगा, सिर्फ हमें देखिए अच्छे से इतना रखना है। और यहाँ पे इसका जो ये वाला ऑप्शन है इसे जीरो ही रहने दीजिएगा, ठीक है, ये जीरो रहेगा, ठीक रहेगा, राइट क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह से आ गया कुछ। अब आपको क्या करना है, प्लस के में क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे कुछ इमोजी आप ले लीजिएगा, जो भी इमोजी आप लेना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ से क्लियर कीजिएगा, इमोजी पर जाइएगा, जो भी इमोजी आप यहाँ पर लेना चाहते हो इमोजी ले लीजिए। जैसे मैंने ये वाला ले लिया, तो यहाँ पे ये फायर का एक और ले लेते हैं, देन ओके कर देते हैं। करने के बाद इस तरह से खींचेगा, इसे यहाँ पे रख लीजिएगा और छोटा करना चाहे तो आप इसका साइज़ यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ साइज़ पे जाकर इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना बड़ा आप रखना चाहे रख लीजिएगा। देन राइट क्लिक कीजिएगा, इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको गए शैडो का ऑप्शन है, शैडो इनेबल कर लीजिएगा, देन राइट क्लिक कीजिएगा, फिर से फॉन्ट वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा और आपको क्या करना है, माई फॉन्ट में जाना है, यहाँ पे iOS सर्च कर लेना, अगर आपके पास होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर उसे ले लीजिएगा, तो कुछ इस तरह से फॉन्ट आ जाएगा। इसके बाद फिर से प्लस का क्लिक कीजिए, टेक्स्ट में जाइएगा, डबल टैप कीजिएगा, फिर यहाँ पे जो आपका यूजर नेम होगा उसे डाल दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ YT MKSING/1051, ठीक है, MK Singh 1051, देन ओके कर देंगे। करने के बाद इसे इस तरह से खींच लेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ लेकर आ जाएंगे यहाँ पे, और फॉन्ट में जाकर इसका भी एक फॉन्ट कोई अच्छा सा सिलेक्ट कर लीजिएगा, देन ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद गाइस, जिसमें कलर वगैरह एडजस्ट करना चाहे तो कर लीजिएगा, इसका साइज थोड़ा और छोटा करते हैं, साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है क्योंकि यूजर नेम जो होता है वो हल्का सा रहा तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब गाइस, यहाँ पे आपको कहना कलर वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पे भी सेम कलर वही ले लेते हैं जो हम वहाँ पे लिए थे, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, गार्डियन पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद वाला फॉन्ट जो लिए थे उसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। कलर आप तो चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको ये डबल लेयर जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, ट्रांसमिट करना है, देन सेव एज इमेज करके यहाँ से सेव टू गैलरी कर देना है। यहाँ पे सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद इसे यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट वाला प्ले स्टोर वाला यूज़ किया है, क्योंकि दूसरा वाला मेरे में सही से काम भी नहीं करता है। तो गाइस, यहाँ पे ये सब हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको लाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 रेशियो लेकर करना, रेजोल्यूशन 1080 रखना है, फ्रेम रेट 60 या 30 रख लीजिएगा, बैकग्राउंड कुछ भी रखे, क्रिएट प्रीसेट पर क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से आएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, देन मीडियम जाइएगा, मीडियम जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, ऑल पर क्लिक करना है, और मैंने जो यहाँ पर पिक्चर यूज़ किया है पिक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो ये पिक्चर अगर आप लेना चाहें तो टेलीग्राम पे जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इस तरह की कोई भी ब्लैक वाली इमेज जो है आप यूज कर सकते हैं। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा, जो टेक्स्ट अभी आप लेकर आए थे उसे यहां पे ले लीजिएगा, लेने के बाद इसे एडजस्ट वगैरह कर लीजिए, तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं इस तरह से हल्का सा, अब यहां पे सही है। अब आपको गाइस क्या करना है, यहां पे एक सॉन्ग की जरूरत होगी, तो अगर आपके पास कोई सॉन्ग है तो आप यूज कर सकते हो। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस स्टेटस कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट रील्स पे जो भी कोई भी सॉन्ग होगा, कुछ भी सॉन्ग होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस टाइप के स्टेटस में कोई भी सॉन्ग चल जाता है, तो जो ट्रेंड कर रहा हो सॉन्ग, जो ट्रेंड में हो उस सॉन्ग के साथ में आप अपना वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, वीडियो 100% काम करेगा, वर्क करेगा, 100% वायरल होने का चांस रहता है, ठीक है।
तो मैं सिर्फ इसका साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक सॉन्ग ले लेता हूँ, तो प्लस करके क्लिक करते हैं सॉन्ग पे जाकर, और इस तरह का स्टेटस जो आप बनाएंगे तो 14 से 15 सेकंड का बनाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम बनाइएगा तो 7-8 सेकंड का बनाइएगा, ठीक है। तो इसे मैं 15 सेकंड तक का रख लिया हूँ, फिर सॉन्ग को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब इस पर इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो इफेक्ट देने के लिए आपको क्या करना है, इस वाले पिक्चर को सिलेक्ट करना है जो ऊपर में पिक्चर है, मतलब जो PNG टेक्स्ट वाला है इसे, और यहाँ इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे गए आपको ड्राइंग है एडीज में जाना है, यहाँ पे ग्लो स्कैन करके इफेक्ट आएगा, इसे सेलेक्ट कीजिएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। करने के बाद स्टार्टिंग में आइएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है, मिनिमम 5 सेकंड पे आ जाइएगा, 15 सेकंड का मैं बना रहा हूँ तो 5 सेकंड पे जा रहा हूँ, अगर आप उसे कम का बनाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 5 सेकंड पे यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक की लगा लेंगे, की लगाने के बाद 50 है रहने देंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पे, फिर उसे एक की लगाएंगे और इसे थोड़ा सा डाउन कर देंगे, तो इसे 25 रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में चले जाएंगे, लास्ट में जाने के बाद फ्रेंड्स इसे पूरा 1 कर देंगे, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीचे आप जो है सब ऐसे ही रहेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, तो रेडियस 10 है ही और फेदर 2.0 रहेगा, इसके बाद जो जैसे हो वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो इसका हो गया, अब आपको यहाँ से ग्लो स्कैन पर क्लिक करना है, बैक चला जाएगा, यहाँ पे ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, ब्लर में जाकर गेशन ब्लर को सेलेक्ट कीजिएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, गेशन ब्लर को ओपन कीजिएगा, आपको आ जाना है यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आने के बाद की लगाना है, की लगाने के बाद जिसे आपको सबसे पहले बढ़ा देना है, तो इसे हम करेंगे यहाँ पे 0.680 कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 680 ये, ठीक है। और फिर आगे की तरफ आ जाएगा, और जितना पे आप रखना चाहते हैं, जैसे 5 सेकंड पे मैंने रखा था, तो उसे हल्का सा आगे ही यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है। प्लस करने के बाद इसे 0 कर देंगे, यहाँ पे पूरी तरह से 0 कर देंगे, तो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अभी काफी सारे इफेक्ट बाकी है, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे गेसिंग ब्लर पर क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको डिस्टॉर्शन वेव में चले जाना है, सबसे नीचे आएगी तो वेव आपका ऑप्शन आएगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, वेव आपको ओपन कीजिए, आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, की लगाइएगा और इसे पूरा फुल कर लीजिएगा, और सॉरी पूरा फुल नहीं, 2 पे ही इसे रखना है, ठीक है। इसमें मैंने सोचा था 2 तक ही होगा, और इसके लास्ट में आ जाना, लास्ट में आने के बाद इसे 0 कर देना है, की लग जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे एंगल इसका 0 है, देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। स्पेसिंग यहाँ पे इसका 20 है, तो इसे आपको कम करना होगा, स्पेसिंग को 4.0 रख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और ये रहा 4.0। दैन नीचे जाइए तो मैग्नीट्यूड दिखेगा, इसे 0.5 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे वार्प एंगल 90 है ही, और फ्रेंड डिम्पिंग में जाइएगा तो यहाँ पे 0.0.50 सब सही है, वेब आप पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। अभी आपको गाइस यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कलर एंड लाइट में चले जाना है, यहाँ पे एक्सपोजर गामा दिखेगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, एक्सपोजर गामा को ओपन कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके स्टार्टिंग में आ जाना है फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे की लगा लेना है, की लगाने के बाद फ्रेंड्स इसे बढ़ा लीजिएगा, तो 185 के अकॉर्डिंग में रख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 185 पे मैंने रख दिया। और फिर जो 5 सेकंड पे की लगाए हैं उस पे आ जाइएगा, आने के बाद इसे आपको क्या करना है, 0 कर देना है, ठीक है, यहाँ पे ओह माइनस ही इधर हो गया, पूरा 0 रख लीजिएगा, थोड़ा सा और डाउन होगा, ये रहा 0, देख सकते हैं ये हो गया। अब यहाँ पे एक्सपोजर गामा पे क्लिक कर दीजिए, बैक चला जाएगा। अभी आपको गाइस ग्लो स्कैन वाला जो इफेक्ट था ये वाला, इसे सेलेक्ट करके 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसका डुप्लीकेट कर लेना है, ग्लो स्कैन को ओपन कीजिएगा, कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जिसके स्टार्टिंग में आ जाना लास्ट में, और ये की जो लगा हुआ है इसे बस थोड़ा सा आगे कर देना है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा आगे और थोड़ा कर लेते हैं बस इस तरह से, तो अब सब सही है यहाँ पे, इसमें अब कुछ नहीं करना है। अब आपको ग्लो स्कैन पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह से आ जाएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आपको गाइस जो गेसिन ब्लर वाला इफेक्ट था इसे ले लेना है, और लेने के बाद इसका भी एक तो डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे डुप्लीकेट वाले को ओपन कर लीजिएगा, फिर स्टार्टिंग में आ जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे 680 सही है, यहाँ पे ये सही है, इसे रहने देते हैं, ठीक है। अब आपको गेसिन ब्लर पे क्लिक करना है, बैक चला जाएगा, यहाँ पे गाइस आपको ऐड इफेक्ट पे फिर से क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप वेव आप वाला जो इफेक्ट था उसे ले लीजिए, तो ठीक है, यहीं से एक तो हम लिए थे वेव आप, इसे सेलेक्ट करके 3 डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर एक्सपोजर गामा जो इसे भी सेलेक्ट कीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको एक इफेक्ट ऐड करना है, तो ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा और प्रोसीडर में चलिएगा, सिंपल स्टार्ट फील्ड को सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, सिंपल स्टार्ट फील्ड को ओपन कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको करना है, इसके स्टार्टिंग में आ जाना है और एक की लगा लेना है, एक्स को यहाँ पे माइनस में 133 कर देना है, ठीक है, 133 ज़्यादा नहीं, तो 133। फिर इसके लास्ट में आ जाइए एकदम से पूरा लास्ट में, और प्लस कीजिएगा और माइनस में ही 430 कर दीजिएगा इसे, 430, ठीक है,
ये रहा, ठीक है, देख सकते हैं। अब इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे स्केल जो है इसे थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो 1.75 इसे रख लीजिएगा, 75 यहाँ पे ये रहा, ठीक है। और इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको साइज दिखेगा, साइज पर क्लिक कीजिएगा और इसे वन एटी फाइव रख लीजिएगा, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 185 ये रहा, ठीक है, 185। इसके बाद नीचे जाइए तो फेदर देखिए, फेदर 1.0 सही है, वाइट यहाँ पे ये सब सही है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल स्टार्ट फिल्टर पे क्लिक कीजिएगा, बैक चला जाएगा। अभी ऐड फिल्टर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जाना है मीटर मास्क की में, यहाँ पे वाइप का ऑप्शन देखिए, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, वाइप को ओपन कीजिएगा, स्टार्ट जो इसका है इसे माइनस में 37 कर दीजिएगा, ठीक है, 37.5 रख लीजिएगा, तो 37.2, ठीक है। अब यहाँ पे एंड पे क्लिक कीजिएगा, एंड पे क्लिक करने के बाद इसके थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे की लगा लीजिएगा, और की लगाने के बाद फ्रेंड्स इसे इस तरह से पूरा लेकर आइएगा, पूरा माइनस में 10 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे -10 कर दीजिएगा। और गाइस इसके बाद आपको आ जाना है आगे की तरफ, मिनिमम 5 सेकेंड पर आ जाते हैं, ठीक है, ये 5 सेकेंड हमें लेना होगा फायर के अकॉर्डिंग, तो तब तक के लिए मैं यहाँ पर यहीं पे रख लेता हूँ, ठीक है, 3 पे रख लेते हो, फायर शायद उतना ही टाइम कराएगा, तो 3 पे रखते हैं, प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इसे 100 कर दीजिएगा पूरा, तो इस तरह से कुछ आएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 100 ही रखेंगे इसे, ठीक है। अब यहाँ से आपको नीचे आना है, एंगल 0 रहेगा, फेदर पर क्लिक करके इसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, तो फेदर को 30 रख लीजिएगा यहाँ पर जैसा देख सकते हैं, ठीक है, 30 रख दिए। अब वाइप पे क्लिक करेंगे, बैक चला जाएगा, यहाँ पे ऐड फिर पे क्लिक कीजिएगा और डिस्टॉर्शन वाइप में चले जाइएगा, यहाँ पे वेब आपको सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, वेब आप पे क्लिक कीजिए, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, स्टार्टिंग में आकर एक की लगा लीजिएगा, ठीक है, और इसे 90 कर दीजिएगा, एक सेकेंड गाइज, सो गाइज यहाँ पे पूरा 90 कर देना, जैसे आप देख सकते हैं 90.00, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो थोड़ा पेशेंस रख के करिएगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इतना पे आ जाएगा लास्ट से थोड़ा पहले, और यहाँ पे की लगा दीजिएगा, बस की लगाना है और कुछ नहीं करना है, एंगल 0 ही रहेगा, स्पेसिंग पे आ जाइएगा, स्पेसिंग पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाना है और यहाँ पे एक की लगा लेना है, की लगाने के बाद इसे आपको डाउन कर देना है, मतलब डिक्रीज कर इंक्रीज करना है, ठीक है, इंक्रीज करना है, 40.5 कर लीजिएगा, 40.5, और फिर जो 5 सेकेंड पे जो की लगा वहाँ पे आकर की लगाइएगा, की लगाने के बाद इसे 0 की तरफ ले चलिएगा, तो 0.2 यहाँ पे रख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेसिंग रहेगा, और फिर मैग्नीट्यूड पे क्लिक कीजिएगा, मैग्नीट्यूड में यहाँ पे की लगा लीजिएगा, की लगाने के बाद इसे आपको 0 कर देना है, ठीक है, और फिर यहाँ पे स्टार्टिंग वाले पे आ जाइएगा, आने के बाद इसे 4 कर देना है, ठीक है, 4.00 ये रहा, देख सकते हैं 4.00। अब नीचे वार्प एंगल जो देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा और इसे 0 कर लीजिएगा, पूरा 0 करना है, यहाँ पे प्लस या माइनस में कुछ नहीं रखना है, ये रहा, ठीक है, वार्प एंगल को 0 कीजिएगा, डैम्पिंग पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो आप देख सकते हैं तो इसे 100 कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिंग पे क्लिक कीजिएगा, इसे 42 कर लीजिएगा, ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, एंड छोर जो है इसे आपको 100 कर देना है, मतलब 1.00, और जो जैसे वैसे छोड़ कर वेब आप पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। अब आपको एक और इफेक्ट दे रहे हैं तो ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, ऑपेसिटी विजुअलिटी में जाकर फीड इन आउट को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कीजिएगा, यहाँ पर फीड इन आउट को ओपन कीजिएगा, इन को कर दीजिएगा 0, आउट को 0.20 कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे फिर आपको यहाँ से बैक आ जाना, तो अभी आप प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, तो आपको क्या नहीं स्टार्टिंग में आ जाना, प्लस का क्लिक करना, मीडियम जाना है, मीडियम जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक फैड वाला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया, उस वीडियो को ले लेना है, तो इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना, मीडिया पे जाना है, और ये फायर वाला इफेक्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया टेलीग्राम पे, तो आप इसे ले लीजिएगा, देन इसे लेने के बाद आपको इसे जूम भी करना है, तो सबसे पहले तो इसे ब्लेंडिंग में जाकर आपको लाइटन कर देना है, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, मतलब स्क्रीन कर लीजिएगा तो थोड़ा और बोल रहेगा, ठीक है, लाइटन में जाकर स्क्रीन कर लीजिए, तो अब कुछ इस तरह से आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो इसका जो टेक्स्ट वाला इफेक्ट हो थोड़ा पहले आ रहा है, तो हम एक बार टेक्स्ट में चलते हैं, उससे पहले इस फायर को ऑफ करते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं, इफेक्ट में जाकर यहाँ पे आपको करना वाइप पे आ जाना है, एंड पे जाना है, एंड पे जो की लगाया थे इसे थोड़ा सा और डाउन करेंगे, वहाँ पर ऊपर दिख रहा है शैडो जैसा, तो बंद हो जाए, इतना पे आपको इसे कर देना है, ठीक है, तो इस तरह से 25 या
रख लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि टेक्स्ट यहाँ पे दिखना थोड़ा सा बंद हो जाए, सेट हो जाए सा जो दिख रहा था। अब यहाँ से बैक आइएगा, ये जो इमोजी सॉरी फायर लिए हैं इसे सेलेक्ट कीजिएगा और ये देख सकते कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे। इसे थोड़ा और जूम करते हैं, ये 3 सेकेंड ही है, मैंने आपको पहले भी बोला था तो ये 3 सेकेंड ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर इसे हम रख लेते हैं, अभी एक बार प्ले करके देखेंगे, सब तो सही आ रहा है एकदम परफेक्ट। ये थोड़ा सा फायर यहाँ पे चला जाएगा, इसके बाद ये ब्लर होकर आ जाएगा, जबकि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह के वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, इस तरह से वीडियो बनाते हैं 100% आपकी वीडियो वायरल होगी। यहाँ पे देख सकते हैं 5 सेकेंड तक तो ये ब्लर होता हुआ आएगा, उसके बाद थोड़ा टाइम यहाँ पे दिखेगा इस तरह से वेव करता हुआ और ग्लो स्कैन भी इस पर लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर लास्ट में चला जाएगा सॉन्ग के साथ में, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता है। तो इस वीडियो हमारी बन चुकी है, सिंपली इसे सेव कर लीजिए, सेव करने के लिए ऊपर एरो पर क्लिक कीजिएगा, एक्सपर्ट पर क्लिक कीजिएगा। जब एक्सपर्ट हो जाए तो आप इंस्टाग्राम पर जाइएगा, वहीं पर या अगर YouTube पे भी आप अपलोड करते हो तो YouTube पे जो सॉन्ग ट्रेंड कर रहा हो उस पर बनाइए बस आपको ये इस टाइप की वीडियो। और गाइज एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कम से कम एक टॉपिक पे 50 वीडियो अपलोड कीजिए। और एक और दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आप Instagram के लिए वीडियो बना रहे हो तो पर डे 2 से 3 वीडियो ही अपलोड कीजिए, ऐसा नहीं कि एक दिन में 50 वीडियो आप अपलोड कर दोगे आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो वैसे आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपको पता होगा कि आपकी वीडियो कैसे ट्रेंड करी है, तो आप खुद से भी चला उतना समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको बोर नहीं करूंगा, चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें।